नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये हमारा बोर्नियो सिमेटिक के ऊपर ही टॉपिक है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि बोर्नियो सिमेटिक के माध्यम से चार्जिंग के प्रॉब्लम कैसे रिपेयर करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो सबसे पहली बात क्या बड़ा कि स्पेशल होने वाला है, और स्पेशल होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बोर्नियो सिमेटिक के अंदर कोई नया फीचर भी आया है। जितने भी सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो बोर्नियो सिमेटिक को यूज कर रहे थे या बोर्नियो सिमेटिक के माध्यम से मोबाइल फ़ोन को ठीक कर रहे थे, तो बोर्नियो सिमेटिक में क्या नया फीचर आया है उसके बारे में मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, तो उनको अपडेट वीडियो भी मिल जाएगा। दूसरी बात क्या, जो हमारे नया व्यूअर है या हमारे जो नए स्टूडेंट हैं जो लोग चार्जिंग की प्रॉब्लम को देख रहे हैं, एक एक करके सारी समस्याओं के बारे में सीख रहे हैं, तो उनको भी ये नया वीडियो मिल जाएगा। तो वो वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन में नया फीचर आया है। इस फीचर के माध्यम से आपके मोबाइल फ़ोन में यदि कोई चार्जिंग की समस्या आती है या मोबाइल फ़ोन में किसी ट्रैक की समस्या आती है या मोबाइल फ़ोन में कोई सप्लाई की प्रॉब्लम आती है तो बड़ा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, और आप वीडियो के माध्यम से बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप अच्छे से सीख करके समझ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात क्या है कि आज हम लोग चार्जिंग के बारे में सीखने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये हमारा टॉपिक किसके ऊपर होने वाला है, चार्जिंग के ऊपर। चार्जिंग के ऊपर टॉपिक होने वाला है, तो हम लोग चार्जिंग के बारे में समझेंगे, चार्जिंग के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सिमेटिक के ऊपर। ये हमने सिमेटिक ओपन कर लिया। सिमेटिक जब ओपन करते हैं तो सिमेटिक में ओपन करते समय हमारे पास दो तरीके के ऑप्शन आते हैं। एक तो हमारा पहला ये वाला ऑप्शन आता है जिसमें आप हार्डवेयर को सेट करते थे, हार्डवेयर को देखते थे, उसके बाद उसमें आप बिट मैप के बारे में मैंने आपको समझाया। उसके बाद जो हम आज हम समझने वाले हैं ये स्मार्ट बोर्ड के बारे में, जैसे कि ये फीचर था उसी तरीके से बोर्नियो कंटेंट्स एक, उसके बाद ये दूसरा आता है बोर्नियो स्मार्ट बोर्ड। आज हमारे पास जो फीचर जो हम आपको दोस्तों से समझाने वाले हैं, बोर्नियो स्मार्ट बोर्ड का फीचर जो है ये हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं बोर्नियो स्मार्ट बोर्ड। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं बोर्नियो स्मार्ट बोर्ड के बारे में सीखने वाले हैं। ये हमारा एक नया फीचर आया है। इस फीचर के माध्यम से जितना जो नए टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है। इस वीडियो में आपको क्या है कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे इसको यूज करना है, और यूज करने के बाद इसके माध्यम से कैसे मोबाइल फ़ोन को ठीक करना है। इसमें क्या रहता है कि जो भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन आता है उस सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, आईसी लगी होती हैं, तो पूरा सर्किट कहाँ से कहाँ जा रहा है ये व्यू करता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, सब कुछ सारी आईसी प्लेन है, सारी आईसी को कंपनी उन्होंने उतार करके बाहर रख दिया है। बस आप उसमें क्या करेंगे, जैसे बिट मैप में देखते थे, मतलब बिट मैप को और हार्डवेयर को दोनों को मर्ज कर दिया गया है। क्या किया गया है, बिट मैप और हार्डवेयर। जैसे मैंने आपको पहले हार्डवेयर के बारे में बताया था, फिर मैंने बिट मैप के बारे में बताया था। बिट मैप में क्या होता था, सारे पॉइंट 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 डॉट डॉट आते थे तो डॉट सेलेक्ट होते हुए चले जाते थे। लेकिन हार्डवेयर में क्या था कि ऑलरेडी पहले से ही लाइनिंग बनी होती थी। लेकिन कंपनी ने क्या किया कि देखिए बहुत अच्छा दिमाग लगाया, उसने बिट मैप और हार्डवेयर दोनों को मर्ज कर दिया। जैसे बिट मैप हार्डवेयर को दोनों को मर्ज किया, तो हार्डवेयर मर्ज करते ही उसमें क्या हुआ कि बिट मैप की तरह जैसे हम लोग सेलेक्ट करके चेक करते थे उसी तरीके से उसमें चेक होता है और सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए हम लोग बोर्ड में अपने चलते हैं। जैसे स्मार्ट बोर्ड में किया, इसमें अभी काफ़ी जो नए लेटेस्ट मॉडल है वो नहीं आए हैं, ये फिलहाल जो रिपेयरिंग करने के लिए काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन है जो इसमें दिए हुए हैं आप लोग देख सकते हैं। जैसे मेरे पास आजकल लेटेस्ट के तौर पर ज़्यादातर हमारे पास सब लोग जितने भी सारे लोग होते हैं उनके पास रेडमी के मोबाइल फ़ोन आते हैं, तो पहले हम लोग अपने रेडमी के मोबाइल फ़ोन को लेते हैं। हमने रेडमी के मोबाइल फ़ोन में क्लिक किया, जैसे Redmi के मोबाइल फ़ोन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इसमें आपके Redmi 5A का जैसे सर्किट है, मैं आपको ओपन करके बताता हूँ क्योंकि मैं 5A के बारे में काफ़ी मैंने आपको दोस्तों समझाया भी है, तो उसके माध्यम से जब मैं इस वीडियो में समझाऊंगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और बड़ा आसान रहेगा। तो देखिए इसमें बोर्ड का बिट मैप दे दिया गया, देखिए उसमें ये सारा आईसी इसमें निकाल दिया गया है, पूरा प्लेन बोर्ड है, इसमें सारी आईसी उतार दिया, बस सिर्फ क्या लगे हुए हैं, कंपोनेंट ट्रैक सर्किट आईसी खत्म, आईसी हटा दिया है, ट्रैक दिया हुआ है, जैक तक हटा दिया है। अब जैसे यदि आपके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो चार्जिंग की प्रॉब्लम को कैसे चेक करते थे, देखिए दोस्तों इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ।
देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें चार्जिंग के लिए ये सप्लाई दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, जैसे आप किसी भी पॉइंट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जैसे आपका ये पॉइंट दिया हुआ है, आपने यहाँ पर क्या किया, जब आप सिलेक्ट करोगे, जैसे पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो ये बता देगा सप्लाई कहाँ पर जा रही है। अगर उस सप्लाई को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, रेस लाइन पर क्लिक करेंगे तो रेस लाइन क्या हो जाएंगी, उस चीज़ को शो कर देंगी। इसको कई सारे आप आरजीबी किसी भी कलर में देख सकते हो, जब इसमें क्लिक करेंगे तो कलर फॉर्म में हो जाएगा। तो जैसे आप देखेंगे जब मैंने यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये देखो बता रहा है कि ये सप्लाई कहाँ पर जा रही है। देखिए यहाँ पर जब मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद इसने सप्लाई को बताया कि सप्लाई यहाँ से सिलेक्ट होगी, यहाँ से सप्लाई सिलेक्ट होने के बाद इस कंपोनेंट पर जाएगी, इस कंपोनेंट के सप्लाई कहाँ पर जाएगी, इस ओवीपी आईसी पर जाएगी, ओवीपी आईसी के बाद सप्लाई कैपेसिटर पर जाएगी, कैपेसिटर पे सप्लाई फिर सीधे कहाँ चली जाएगी, आईसी के अंदर। फिर आईसी से क्या होगा, आउटपुट निकलेंगे, ये आउटपुट निकलने वाला था जो मैंने इस कैपेसिटर पे जैसे मैं सिलेक्ट करता था, तो सिलेक्ट करने के बाद ये आउटपुट क्या होता था, ये आउटपुट शो होता था। इस आउटपुट को हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, जैसे आउटपुट को आप सिलेक्ट करेंगे तो आउटपुट सिलेक्ट होने के बाद वो आपका आउटपुट दिखाई देगा डिस्प्ले के अंदर, मतलब ये आपको बता देगा कि ये लाइन हमारा कहाँ पर जा रहा था। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और आपको समझाता हूँ, जैसे आपका ये, एक मिनट थोड़ा सा, ये देखिए जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में ये यूआई कनेक्टर है, अब यूआई कनेक्टर के बाद ये मैंने देखा था कि ये हमारी क्या लगी थी, चार्जिंग आईसी। तो यहाँ पर जब हम लोग सिलेक्ट करते थे तो यहाँ पर आपकी जो वी बस की लाइन आती थी, वी बस का देखो ट्रैक दिया हुआ है, यहाँ से होते हुए तो गोले पे आएगा, इस गोले पे सप्लाई होते हुए सप्लाई हमारी कहाँ पर जाएगी, कैपेसिटर पर जाएगी, कैपेसिटर के बाद फिर ओ वी पी आई सी पे जाएगी। तो उसमें क्या होता कि सारे चीज़ों की आई सियाँ लगी होती थी और उसमें से पी डी एफ खुल खुल करके ओपन होकर के आती थी, लेकिन इसमें फ़िलहाल कंपनी ने क्या कर दिया है कि जैसे आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो पॉइंट सिलेक्ट करते ही वो ऑप्शन हाईलाइट कर देता है कि वो ऑप्शन कहाँ पर जाने वाला है। तो इससे क्या होगा, ये सप्लाई यहाँ पर आएगी, इसके बाद कैपेसिटर पर जाएगी, कैपेसिटर के बाद आईसी पे आएगी। तो जिस तरीके से आप इसमें ड्रॉ देखते थे तो उसी तरीके से कंपनी ने भी उसको बना करके दे दिया है। तो कुल मिलाकर के इसको जो मर्ज करने का मतलब ये है कि कंपनी ने बिट मैप और हार्डवेयर दोनों को आपस में क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है। जैसे दोनों को मर्ज कर दिया ताकि उसके जितने भी सारे यूजर्स हों तो उनको रिपेयरिंग में काफ़ी हेल्प मिल सके और उनको कोई भी चीज़ को रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम ना आ सके, कोई ठीक करने में कोई दिक्कत ना आ सके। इसके माध्यम से चार्जिंग का तो जैसे मैंने आपको समझाया, इसके माध्यम से यदि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर मान लिया कोई मोबाइल फ़ोन आया आपके पास ठीक होने के लिए, अभी जैसे आज मेरे पास एक स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट के पास मोबाइल फ़ोन जब वो चेक कर रहे थे तो उसके मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि दो कैपेसिटर थे उसमें आपस में बीप आ रही थी, मतलब दो कैपेसिटर शॉर्टिंग शो कर रहे थे। तो दो कैपेसिटर जब शॉर्टिंग शो करने का मतलब होता है कि उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे मान लिया एग्जांपल की बात है, इस कैपेसिटर के अंदर बीप आ रही है, तो इस कैपेसिटर पे बीप आने का मतलब क्या है कि हमको ये प्रॉब्लम आती है कि ये कैपेसिटर कहाँ से कनेक्ट है, इस कैपेसिटर का अटैचमेंट कहाँ से है, जिस कारण से अगर इसमें बीप आ रही है तो इसको कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ बातों को हम लोग क्या करते हैं, इसके माध्यम से हम लोग पूरा अच्छे से कर लेते हैं। जैसे हमने देखो यहाँ पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद वो सप्लाई शो कर रहा है कि इसकी सप्लाई कहाँ पर जा रही है। तो जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ये सप्लाई यहाँ पर जा रही है, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पॉइंट डॉट फॉर्म में सेव करेगा, इसमें करेंगे तो इसको हाईलाइट कर देगा। तो जब आपने देखा कि यहाँ पर ये सप्लाई यहाँ पर शो हो रही है, दूसरी बात क्या, जब यहाँ पर आप सेट कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख क्या रहा है, सेलेक्टेड स्क्रीन लग रहा है वी बस इन, मतलब वी बस इन की सप्लाई है जो यहाँ पर लिख करके भी आ रहा है, जिस सप्लाई को आप लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये जैसे आपने आउटपुट सप्लाई को चेक किया, थोड़ा सा इसको जूम कर देंगे, देखिए जूम करके मैं बोर्ड में आपको दिखाता हूँ, आपको डिस्प्ले कराता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद ये शो कर देता है कि हमारी सप्लाई कहाँ पर जा रही है।
तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये बता रहा है कि सप्लाई यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर देखिए लिख करके बताता है आर एस वी बस यू एस बी इन, वी बस चार्जर यू एस बी इन, देखो दिख रहा ना। मतलब आप जिस पॉइंट पे लिख करके जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा उसकी डिटेल लिख करके आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल सी बात, अगर ये तुम्हारे पी एफ ओ आई सी लगी है, तो पी एफ ओ आई सी के जैसे हम लोग सप्लाई पे यहाँ पर पॉइंट पे ले जाएंगे, तो यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है वी पी एच पावर। मतलब अगर आई सी के अगर आप चारों पॉइंट में ऐसे देखो, फिर ऐसे आप घुमा दीजिए, तो जैसे आप चारों पॉइंटों में घुमाएंगे तो चारों पॉइंटों में घुमाकर जिस पॉइंट का कनेक्शन जहाँ से होगा, जिस ट्रैक जहाँ पर जा रहा होगा, उससे क्या होगा उसकी डिटेल खुल करके आ जाएगी। तो डिटेल खुल के आने से हमको ये फायदा मिलता है कि हमको उसके कनेक्टिविटी के बारे में प्रॉपर आइडिया लग जाता है। पहले हम लोग एक एक करके लाइन को देखते थे, अब हमको प्लेन लाइन खुल जाता है। उसके बाद जैसे ही ऐसे डार्क सर्कल आप माउस घुमाएंगे और माउस के माध्यम से आप पता कर लेंगे कि सप्लाई कहाँ पर आ रही है। तो चलिए हम लोग अपने बोर्ड पर चलते हैं। ये हमारा यू आई का कनेक्टर है, हमने देखिए यहाँ पर सेलेक्ट किया, तो ये बता रहा है कि सप्लाई पहले यहाँ पर आएगी। इस बोर्नियो सिमेटिक को अगर आप माउस के द्वारा चलाते हैं तो बहुत अच्छा चलता है। ये सप्लाई यहाँ पर आएगी, कैपेसिटर पर आएगी, कैपेसिटर के बाद सप्लाई यहाँ पर निकलेगी। ये भी देखिए वी बस यू एस बी इन लिखा हुआ है, ये सप्लाई यहाँ से होते हुए तुम्हारी चार्जिंग आई सी के अंदर चली जाएगी। अब चार्जिंग आई सी क्या करेगी, अपने अंदर से आउटपुट निकालेगी। सबसे पहला आउटपुट जो होगा वो तुम्हारे किसके लिए होगा, वी पी एच के लिए होगा। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखें जब आपने यहाँ पर क्लिक किया, इसने बताया कि ये सप्लाई यहाँ पर आएगी। आपने इस कैपेसिटर, अब इस कैपेसिटर का मतलब होता है, अब देखिए यहाँ पर सप्लाई नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर आप हार्डवेयर में देखेंगे तो हार्डवेयर में वो सप्लाई ऐसे राउंडेड शेप में दिखाएगा। तो अच्छा, इससे एक बात ये भी निकल करके आ रही है कि ये जो आई सी है, ये आई सी यहाँ से तो पहली बात तो इन हो गई, दूसरी बात क्या होगा, ये जो वी पी एच आउटपुट हुआ, तो वी पी एच दो जगह से होता है, जैसे एक जगह तो ये भी दिखाई देता है, दूसरा ये भी दिखाई देता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आईसी आउट करेगी और इससे निकलने के बाद कॉइल के माध्यम से ये मोबाइल फ़ोन के अंदर चली जाएगी। ये देखिए, ये देखिए, इसने यहाँ पर देखो वी पी एच पावर लिख करके आ रहा है। उसके बाद ये कॉइल, अब ये वी पी एच पावर जो सप्लाई है ये भी दिखाई दे रहा है। देखिए रिपेयरिंग करने के लिए कितना हेल्पफुल है, कितना जो इस दे दिया, जो नया फीचर दिया हुआ है। ये देखिए वी पी एच सप्लाई कहाँ पर जा रही है, तुम्हारे पी एफ ओ पर जा रही है, तुम्हारे इस वाले भी पी एफ ओ पर जा रही है। उसके बाद कहाँ पर जा रही है, इस एल वी आर पे भी जा रही है, एल वी आर से होते हुए इस कॉइल से होते हुए, ये तुम्हारी ग्राफिक आईसी से होते हुए, लाइट आईसी से होते हुए, बहुत सारी चीज़ों पे जा रही है। तो इसके माध्यम से जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया, हम लोग अपने यूएसबी लाइन पे थे, हम लोग यूएसबी लाइन पे रहेंगे वरना फिर हम लोग भटक जाएंगे। पहले हम लोग अपने ट्रैक को रीड कर लेते हैं। उसके बाद आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये यूएसबी का इन वोल्टेज है। उसके बाद यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे, देखिए ये लिखा है चार्ज आउट, क्या लिखा है चार्ज आउट। चार्ज आउट का मतलब क्या है, चार्जिंग की आउटपुट सप्लाई है, ये चार्जिंग की आउटपुट सप्लाई यहाँ पर आएगी। उसके बाद आगे क्लिक करेंगे तो देखिए ये वी बैट सप्लाई है, यहाँ पर ये आउट सप्लाई आ रही थी, आउट सप्लाई आने के बाद ये आउट सप्लाई कहाँ पर आ रही थी दोस्तों, चार्जिंग आई सी से आ रही थी। उसके बाद जब आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ये आपकी कौन सी सप्लाई थी, वी बैट सप्लाई थी। वी बैट सप्लाई यहाँ से होते हुए, इस गोले से होते हुए, और ये सप्लाई तुम्हारी जा रही है बैटरी कनेक्टर के प्लस पर। तो देखिए इसके माध्यम से सिमेटिक में कितना बहुत अच्छा दे रखा है कि कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने बिट मैप को और उसको पूरा एक साथ, दोनों को हार्डवेयर और बिट मैप दोनों को क्या कर दिया है, कंबाइंड कर दिया है। हार्डवेयर बिट मैप को कंबाइंड करने से हमको फायदा रहेगा कि जितने हमारे जो नए लोग होते हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए बड़ा हेल्पफुल है। अब देखिए ये मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग निकालने के लिए बहुत अच्छा उपयोगी हो सकता है। कैसे उपयोगी हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ज़्यादातर हमारे पास मोबाइल फ़ोन आता है ठीक होने के लिए, तो हम लोग जब भी मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करते हैं तो रिपेयर करने में मान लिया हमको प्रॉब्लम ये आती है कि चार्जिंग आईसी लगी है, और चार्जिंग आईसी के आपने देखा कि मल्टीमीटर से जब हम लोग चेक करते थे जनरली, ये हम ही नहीं बात कर रहे थे, जितने भी सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, क्योंकि हम अपने एक स्टूडेंट को पोजीशन पर रख करके देखते हैं
ये देखते हैं कि हमारा स्टूडेंट कैसे चेक करेगा और उसको कैसे रिपेयर करना है, क्योंकि ये हम अपने माइंड से नहीं ठीक करते, हम उसके दिमाग से ठीक करते हैं। जैसे मैं कोई स्टूडेंट है, उसके पास कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है ठीक होने के लिए, तो वो पहले क्या करता है, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करता है। क्या करता है, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करता है, रेड पिन को ग्राउंड पर लगाता है, ब्लैक से चेक करता है। जब ब्लैक से चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा, वो सबसे पहली बात इस कैपेसिटर में चेक करेगा, देखेगा इस कैपेसिटर में बीप आ रहा है तो उसको समझ में आता है ये वाला पिन माइनस है। फिर उसके बाद ये कैपेसिटर में चेक करता है तो इस कैपेसिटर में बीप आने लगता है। उसने देखा कि इस वाले कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में बीप आ रहा है, ये वाले कैपेसिटर है इनमें भी बीप आ रहा है, ये वाला कैपेसिटर इसमें भी बीप आ रहा है, तो उसका दिमाग खराब हो जा रहा है, 4-5 साल के कैपेसिटर बीप दे रहे हैं, तो उसको लगता है ये वाला चार्जिंग आईसी खराब हो गया होगा। वो अपने दिमाग में गेस कर लेता है और चार्जिंग आईसी को उतार देता है। अब उसके लिए परेशानी सबसे बड़ी बात ये आती है कि जैसे मान लिया ये दो कैपेसिटर है, इनमें भी बीप आ रही है, इसमें भी बीप आ रही है, अब उसने क्या कर दिया, इन कैपेसिटर को उतार करके बाहर रख दिया। अब बाहर रखने के बाद फिर भी बीप आ रही है, अब उसको लगता है यार यहाँ तो साली कोई आईसी भी नहीं लगी, फिर भी शॉर्टिंग आ रही है, अब इसकी कहाँ जुड़ी होगी। अब उसके चक्कर में वो 4-5 कॉइलें उतार देगा, 4-5 आईसी उतार देगा, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता था। अब इसके माध्यम से उसको देखिए कितना हेल्प मिलने वाला है, जो लोग ऐसी गलती करते थे तो उनके लिए बड़ा आसान रहेगा। देखिए हमने क्या किया, हमने जैसे इस कैपेसिटर पर क्लिक किया तो ये देखिए वी बस यूएसबी लाइन था, पहली बात तो तुरंत पता चल गया, उसने बता दिया कि भाई ये वी बस का यूएसबी लाइन है, अगर इस कैपेसिटर पर बीप आएगा तो इसका लाइन यहाँ पर जा रहा है। उसके बाद आपने देखा इस कैपेसिटर पर चेक किया तो ये कह रहा है ये वाला लाइन यहाँ तो आ रहा है लेकिन रेजिस्टेंस होते हुए यहाँ पर भी जा रहा है। उसके बाद आपने इस कैपेसिटर पर चेक किया तो इस कैपेसिटर पर चेक करने का मतलब है इसका लाइन आईसी से कोई कनेक्टिविटी नहीं है खास, इसमें आपने चेक किया इसकी भी कोई आईसी से खराब कनेक्ट, क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन में सप्लाई वहीं पर ख़राबी होती है जहां पर करंट दौड़े, जहां पर करंट चलेगा ही नहीं तो वहां पर सप्लाई ख़राब होने के चांसेस नहीं होते। जैसे मैं एग्जांपल सी बात बताता हूं कि जैसे मान लिया आपके मोबाइल फ़ोन में शॉर्टिंग हो गई तो ये बैटरी कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर से करंट होते हुए इस आईसी तक गया तो खराबी जो होगी यहां से लेकर इसी लाइन में होगी, इसके आगे के लाइन में खराबी होने के चांसेस ज़्यादा नहीं रहते। अब जैसे मान लिया पीएफओ आईसी है तो पीएफओ आईसी में तो ये 50 लाइनें हैं लेकिन 50 लाइनों में से 50 लाइनों में सप्लाई थोड़ी ना आती है, 50 में से 2-3 लाइनों पर सप्लाई आती है, बाकी सप्लाई सिग्नल के लिए होती है, कनेक्शन के लिए होती है, डिटेक्शन के लिए, आउटपुट के लिए होती है। जो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो शॉर्टिंग होती है वहीं पर होती है जहाँ पर लाइन आती है, जहाँ पर लाइन आती नहीं तो सप्लाई कहेगी शॉर्टिंग कहेगी। तो चलिए हम लोग जैसे देख रहे थे कि ये इससे हमको ये हेल्प मिल रहा था कि ये सप्लाई यहाँ पर आ रही है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर पर देख रहे थे, जैसे कैपेसिटर पर हम लोग यहाँ क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद ये दोनों कैपेसिटर पे बीप आ रही है, आपने इसमें चेक किया ये तो भाई ग्राउंड ही है। हमने देखो यहाँ पर लिखा ये कह रहा है RS वी रेगुलेट, जो वी रेगुलेट 1.2 मतलब 1.2 वोल्टेज यहाँ पर आएंगे, 1.2 वोल्टेज आएंगे। अब 1.2 वोल्टेज कहाँ से आ रहे हैं इस चीज़ के लिए, चलिए मैं ये भी देख लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों सबसे पहली बात ये सप्लाई तुम्हारी पावर आईसी से आ रही है, पावर आईसी से सप्लाई होते हुए कहाँ पर जा रही है, सीपीयू पर जा रही है, सीपीयू से लाइन होते हुए सीपीयू पे कहाँ पर जा रही है, इस बॉल पे देखिए गलत क्लिक करने। तो ये हमने जैसे आपको बताया कि ये हमारी सप्लाई जा रही थी तो ये मोबाइल फ़ोन में इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं शॉर्टिंग को चेक कर पाते हैं। तो ये खाली ऐसा नहीं कि खाली ये MI 5A का ही दिया हुआ है, इसी तरीके से तो कोई तुम्हारे पास दूसरा मोबाइल फ़ोन आ जाता है, रेडमी का मान लिया 6A मोबाइल फ़ोन आ जाता है तो आप 6A का बोर्ड खोल लेंगे, जैसे 6A का बोर्ड खोल लेंगे तो उसका PCB खुल जाएगा, तो उसका भी इसने सेम उसी तरीके से कर रखा है। तो कंपनी ने क्या कर रखा कि जितने भी सारे मॉडल आए हैं, जो पीछे जितने भी सारे मॉडल हैं आप देखिए बहुत सारे मॉडल देख सकते हैं, अभी तो फिलहाल आप रेडमी में ही घुसे हुए हैं, फिर वीवो हैं, सैमसंग है, रियलमी है, ओप्पो हैं, बहुत सारे मॉडल दिए हुए हैं, किसी भी मॉडल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। अच्छा ये देखो इसमें देखने का एक फ़ायदा ये आया है कि हम लोग बिट मैप में जितने भी सारे जो नए लोग होते हैं तो बिट मैप में डॉट 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 बन करके आते थे, अब उसमें उनको पॉइंट ढूंढने में बड़ा कन्फ्यूजन होता था, लेकिन इसमें क्या है कि बिल्कुल जेन्युइन प्लेट ही दे दिया है, मतलब जो बिल्कुल रियल प्लेट है ना उस प्लेट को ही बिट मैप में डाल दिया, कि पूरा PCB में अगर वो चाहता है कि मान लिया जैसे उसके पास कोई मोबाइल फ़ोन आया ठीक होने के लिए, वो अपने मोबाइल फ़ोन का ये कनेक्टर UI कनेक्टर बदल रहा है,
यूआई कनेक्टर बदलते समय उसका दो प्रिंट गायब हो गया या एक प्रिंट गायब हुआ, एक प्रिंट मान लिया गल गया, नहीं गायब हुआ वो प्रिंट ही गल गया, सप्लाई गल गई, तो वो इसके माध्यम से जब वो चेक करेगा तो उसके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। देखिए ये देखिए, जैसे मान लिया उसका ये वाला दो प्रिंट गायब हो गया, तो देखिए इस वाले पॉइंट पे ये लिख के भी दे रहा है काय का प्रिंट है स्पीकर, और स्पीकर में पी लिखा है तो पी का मतलब पॉजिटिव, उसके बाद स्पीकर में एन लिखा है तो मतलब नेगेटिव। अगर मान लिया तुम यूआई कनेक्टर बदल दोगे उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं जुड़ोगे तो क्या स्पीकर बजेगा? नहीं बजेगा। अब ये वाला भी देखिए पॉजिटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है, उसके बाद इस वाले को चेक किया इसमें कुछ नहीं बता रहा, कुछ ने का मतलब या तो एन सी या तो ग्राउंड है, इसमें देखा कुछ नहीं बता रहा, इसमें चेक किया देखिए बता रहा है, ये सप्लाई कहाँ जा रही है, यहाँ पर क्लिक करेगा, क्लिक करते ही बता दें ये भाई लाइन यहाँ पर जा रही है, इस कैपेसिटर पर फिल्टर हो रही है, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, ये काहे की सप्लाई देखो इसमें लिखा है माइक बाइसिंग वोल्टेज। अब इससे एक और फायदा कि जैसे हमारे पास कई बार ऐसा होता था कि माइक की सप्लाई ख़राब हो जाती थी, बोर्ड से ख़राब हो जाती थी, तो हम लोग यही ढूंढते थे कि इसमें माइक की बाइसिंग पिन कौन सी है, माइक का ट्रैक कौन सा। अब इसमें क्या करिए, सिर्फ देखिए मैं तो कहीं और क्लिक कर देता हूँ, अगर आप इसमें इस लेंगे इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे देखिए, यहाँ तक ऐसे पूरा लेके जा रहे, तो देखिए एक एक करके देखिए सब पूरा डिटेल बता रही है माइक का बाइसिंग वोल्टेज है, ये देखिए एलडीओ, एक एक करके सारी सप्लाई के बारे में, डिस्प्ले के सारे सिग्नल्स हैं, ये सब कुछ आपको टोटली इसमें क्या कर देता है, ये देखिए वी बस इन, तो जितनी भी सारी सप्लाई होती है वो इसमें लिख करके आ जाती हैं, तो लिख करके आने से क्या रहता है कि हमको रिपेयरिंग में बहुत बहुत मदद होगी, थोड़ी बहुत नहीं बहुत मदद होगी, बहुत हेल्पफुल है। अब जैसे ये हमारी मान लिया सप्लाई है, इस आईसी की सप्लाई पे एक एक करके जैसे पिनों पे आप ऐसे माउस को फिराएंगे, देखिए ये देखिए वी बैट सप्लाई यहाँ पर आ रही, तो तुरंत क्या हो जाएगी इसके माध्यम से हमको हेल्प मिल जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आज हमने आपको इसका बोर्ड का मैंने स्मार्ट बोर्ड का मैंने बारे में बताया कि जो बोर्नियो के अंदर जो स्मार्ट बोर्ड को जो प्रेजेंट करने का तरीका दिया हुआ है कि किस तरीके से इसकी प्रॉब्लम को हम लोग चेक करेंगे या कैसे इसके माध्यम से इसका यूज करेंगे, कैसे इसके माध्यम से फॉल्ट को डायग्नोज करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आज हम लोगों ने चार्जिंग के बारे में समझा हुआ है और चार्जिंग के माध्यम से कैसे इस जो नया जो हमारे लिए पैटर्न आया, जो बोर्डियो ने हमको स्मार्ट बोर्ड में पैटर्न देखने के लिए जो तरीका बताया है, तो हम लोग उसमें पैटर्न को देख सकते हैं, उसको विजिबिलिटी कर सकते हैं। ये नए यूजर के लिए बहुत होगा, इसमें बहुत ऐसे लोग होंगे जो बोर्डियो चला रहे होंगे लेकिन उन्होंने अब तक इस फीचर के बारे में नहीं देखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस फीचर को देखें और इस फीचर के माध्यम से आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करने में कितनी हेल्प मिलेगी उसको 2, 4, 5, 10 फोनों पर प्रैक्टिकल करें, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि बोर्नियो सेमेटिक हमारा जो टूल बना हुआ है वो हमारा हार्डवेयर के लिए ही बना हुआ है। तो देखिए ये वीवो के बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो वीवो के बहुत सारे ऐसे मॉडल्स आते हैं जिसमें सेमेटिक है या बिटमैप नहीं मिल पाता किसी कारणवश, तो हम लोग वो इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। तो वीवो का भी फ़ोन दिया हुआ है, ये देखिए सैमसंग के बहुत सारे मॉडल आए हुए हैं, ए सीरीज, जे सीरीज, तो ये सारे सैमसंग के। अभी सैमसंग का कुछ ज़्यादा खास नहीं दिया हुआ है फिलहाल, अभी कंपनी इसमें अपडेट दे रही है जितना दे दिया। आज हमारे पास बिहार के एक स्टूडेंट है जिन्होंने मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और उनको 5 तारीख को आना है, या और भी बहुत सारे असिस्टेंट हैं जो लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को करना चाहते हैं या मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग संबंधित अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल वो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, और ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करने के बाद वो अपने पूरे कंप्लीट कोर्स को सीख सकते हैं। यहाँ पर उनको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के बारे में कंप्लीट सिखाया जाएगा, जिसमें उनका पूरा हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है, ए से लेकर जेड तक सारे मोबाइल फ़ोन के बारे में पूरा ट्रेनिंग आपको मिलता है। अगर आप चाहें तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, कॉल करें,
कभी भी दिन में फ्री होते हैं दोस्तों, वीडियो कॉल करें, क्लास लेते हुए देखें कि सर कैसे क्लास करा रहे हैं या हम आपको कैसे क्लास करा रहे हैं। और ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करने से पहले एक बात मैं आपको रिक्वेस्टली कहना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से कम यूट्यूब से बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, मैंने बहुत सारी डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो डाल रखी हैं, वो सारी डेमो वीडियो ही हैं जो आपको मैंने बना करके डाला हुआ है। आज मुझे, मैं आपको बताऊँ कि एक मेरे पास एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन किया है, फ़ोन करके ये बोला कि सर मैं आपको बताऊं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता था कि मुझे मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम सीखना चाहिए, लेकिन सर मैं आपको बताऊं, रियलिटी बताऊं कि जब से मैंने आपके सॉफ्टवेयर के जो सीरीज आपने डाली थी उसमें से बहुत सारी वीडियो मैंने देखी, तो इस वीडियो के माध्यम से देखने के बाद मैं समझ लीजिए एक 4000 रुपये का UMT प्रो डोंगल आता है, उस डोंगल को मैं ख़रीद भी लाया हूँ। और ख़रीद लाने के बाद अपने स्क्रीन पर पूरा इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉल करने के बाद जैसे जैसे फ़ीचर आपने बताया था वैसे वैसे फ़ीचर मुझे एक ऐसे मिलने जा रहे हैं, जैसे मिलते जा रहे हैं। तो जो कई साल से एक मेरा दोस्त था जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम करता था, उसने मुझसे पूछा कि तू भाई इस डोंगल को कैसे चलाना सीख रहा है, इसको तुमने सीखा है क्या कहीं से? तो मैंने उसको तो खैर बताया नहीं कि सर मैंने आपकी वीडियो के माध्यम से सीखा है, लेकिन जब उसने मुझसे ऐसा पूछा, आश्चर्यचकित होकर के मुझसे पूछा, तो मुझे लगा कि नहीं, सर के जो वीडियो के माध्यम से जो मैंने सीखा तो मेरे लिए जब इतना हेल्पफुल है तो मैं आ करके सीखूंगा तो कितना बेहतर रहेगा। तो मैं उनके लिए बड़ा धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि वो सर मेरे पास 5 या 7 तारीख से आ जाएंगे, और वो उड़ीसा के रहने वाले हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन से काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत सारी अच्छी नॉलेज है, और नॉलेज के साथ साथ वो चाहते हैं कि सर मैं मोबाइल फ़ोन के बारे में भी कंप्लीट मास्टर हो जाऊं। मास्टर तो अपनी लाइन में कभी इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में आता है, ज़िंदगी में कभी मास्टर हो ही नहीं पाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में नया नया डिवाइस आता रहता है और नया नया डिवाइस का शोध होता रहता है, लेकिन जो टेक्निकल बंदा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है, जो PCB का बंदा है, जो PCB सर्किट को रिपेयर करने वाला बंदा है, वो अपने आप को भी मॉडिफाई करता रहता है, नए नए चीज़ों को सीखता रहता है और चेंजेस होता रहता है। तो मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूँ जो आज लोग किसी अदर लाइन में काम कर रहे हैं या किसी और लाइन में काम कर रहे हैं, उनको अगर वहाँ पर थोड़ा सा स्कोप नहीं मिल पाता या स्कोप मिल भी रहा है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि एक हमारे लिए एक और पैर खड़ा हो जाए, देखिए ऐसा कौन आदमी नहीं जो बिजनेस से जुड़ा हो वो ये ना चाहता हो कि हमारे 2 पैर ना हो या हमारे 4 पैर ना हो, लेकिन इंसान के 4 पैर तभी खड़े होते हैं जब उसके पास नॉलेज होती है। अगर उसके पास नॉलेज होती है तो उसके पास 4 पैर होते हैं, वरना आज तक दुनिया जान में कोई भी ऐसा अंबानी भी नहीं पैदा हुआ कि जो किसी भी बिजनेस में पैसा झोंक दे और कह दे पैसा 2 गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ज़िंदगी में पैसों को डबल ट्रिपल वही कर सकता है जिसके अंदर एक अच्छी नॉलेज हो, कैपेबल हो। अगर वो नॉलेज को रखता है तो कुछ भी कर सकता है, अगर नॉलेज को नहीं रखता तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसी बात के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल लाइन में है, टेक्निकल फील्ड में जुड़े हैं, अगर वो चाहते हैं कि 1.5 महीने 2 महीने का एक प्रोजेक्ट बेस पर अगर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का हम कोर्स सीख लेते हैं तो एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। या हमारे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आज पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी टेक्निकल हैंड हो जाएंगे तो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, अपनी पढ़ाई भी करते रहेंगे, और जो लोग इस लाइन पे पूरा डिपेंड होना चाहते हैं तो डिपेंड भी हो सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का क्षेत्र बहुत बड़ा है। वरना मैं आपको गारंटी के साथ में कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, सिर्फ आप अपने आसपास सिर्फ ऐसे 50 आदमी को ढूंढ करके बता देना, पहले तो मैं 100 को बोलता था, मैं 50 को बोल रहा हूँ, किसी दिन मैं तुमको 5 आदमी बोलूँगा, आज की डेट में तुम मात्र 50 आदमी ढूंढ करके बता देना कि जिसके हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं है, तुमको 50 आदमी ढूंढना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। अगर किसी में से कोई ऐसा आदमी मिल गया क्या कि अरे भाई आज मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो वो बोलेगा आज मोबाइल फ़ोन लाया नहीं लेकिन तो मेरे घर पर रखा हुआ है, लेकिन उसके पास मोबाइल फ़ोन ज़रूर होगा, क्योंकि आज की डेट में पोजीशन में ऐसा हाल है कि जिस आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं तो वो आदमी ही दुनिया में नहीं। तो मतलब मोबाइल फ़ोन होना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, कल को अगर ख़राब होगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, जब उसमें प्रॉब्लम आएगी तो रखरखाव के लिए हमारे जैसे टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग रिपेयर होकर के सफलतापूर्वक इस लाइन में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल से जुड़े रहें ताकि आपका नया अपडेट वीडियो आपको मिलता रहेगा। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। Yeah.